तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का लेक्चर इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है और रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका पाथ कैसे होगा? पैराबोला होगा, सर्कल होगा, स्ट्रेट होगा, तो कौन सी सिचुएशन में क्या होगा उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन स्टडी करने से पहले आगे आपकी बुक्स में ऐसे गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन पहला पार्ट गिवन होगा, चार्ज पार्टिकल एंटर्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे केस में मूव देना पैराबोला। आप चेक भी कर सकते हो अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स, नहीं किया कोई बात नहीं, अभी करा दूंगा। तो बुक्स में इसका प्रूफ गिवन है, फिर वो सेकेंड टॉपिक पे जाएगा, इसका प्रूफ करेगा। तो पहले मैं क्या बताने वाला हूं, मैं एंड रिजल्ट आपको पहले बता देता हूं कि ये होने वाला है, फिर हम एक एक करके इसके प्रूफ करेंगे। तो पहला रिजल्ट आपने याद करना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या होगा इसमें? पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। नेक्स्ट है, ऐसा क्यों करेगा अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एंटर क्या, मूवी मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, जैसे ये रहा, तो जैसे वेलोसिटी वेक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में दी, तो वी वेक्टर यहां पर है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, तो बी अगर बोर्ड के अंदर है, वी कहां पर है, इधर है, तो फोर्स कहां है, ऊपर है। फ्री चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा, जैसे ही घूमा तो वी बी कहां पर है, बोर्ड के अंदर है, वी कहां पर है, ऊपर है, तो फोर्स कहां पर है, इधर है। ऐसे यहां पर बी कहां पर है, अंदर की तरफ है, वेलोसिटी कहां है, इधर है, तो फोर्स कहां है, नीचे, जहां मर्जी लगा लो। ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल, वो कहां करेगा, टुवर्ड्स सेंटर करेगा, सेंटर की तरफ करेगा, राइट, टुवर्ड्स सेंटर करेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी में और बी में एंगल क्या है, 90। वेलोसिटी बोर्ड के ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, एंगल 90, तो बी क्यू वी साइन 90। तो पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहां लग रही है, टुवर्ड सेंटर, तो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर या मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो ये पार्टिकल को किस में घुमाएगा, है ना, सर्कल, राइट। तो सेकेंड रिजल्ट कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल किस में घूमेगा, इन अ सर्कल। नेक्स्ट है, अगर मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी वी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 नहीं है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर 90 है तो पार्टिकल किस में घूमेगा, इन अ सर्कल। अगर 90 नहीं है तो पार्टिकल क्या करेगा, गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। क्यों जाएगा, इसके सब रीजंस हम डिस्कस करेंगे। तो जब गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, इस फिगर को बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल विल मूव इन अ हेलिक्स, ठीक, क्यों, इसका रीजन दूंगा मैं अभी। तो पहला रिजल्ट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर के साथ पार्टिकल मूव करता है तो पैराबोला। दूसरा रिजल्ट है, अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पार्टिकल मूव करता है, वी और बी में एंगल 90, तो पार्टिकल मूव इन अ सर्कल। नेक्स्ट है, अगर मान लो वी वेक्टर और बी वेक्टर है और एंगल इनके बीच में थीटा है, तो पार्टिकल मूव इन अ हेलिक्स। नेक्स्ट है, अगर मान लो पार्टिकल में वी और बी में एंगल थीटा है, तो उसको हेलिक्स मूव करना है, लेकिन आपने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एक्सेलरेशन जनरेट करवाएगा, आग, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती रहेगी इस तरफ। तो हेलिक्स पहले थोड़ा छोटा डिस्टेंस का था, दो सर्कल में दूरी छोटी थी पहले हेलिक्स में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पार्टिकल की स्पीड हॉरिजॉन्टल में बढ़ जाएगी, तो हेलिक्स ऐसा बनेगा, यहां से स्टार्ट होके पहले यहां रहा था, अब यहां से स्टार्ट होके यहां जाएगा, तेज 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 से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड बढ़ाएगा आगे जाने की। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वह यूनिफॉर्म ये दूरी बराबर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो शुरू में कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा खुलती जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट है, याता नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए, कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, पार्टिकल यहां रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर है, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, तो दोनों फील्ड 90 डिग्री पे हैं और आपने पार्टिकल को रेस्ट पे रखा ओरिजिन पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा क्यूई, और इसको वेलोसिटी देगा वी। ये जैसे ऊपर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसको सर्कल में घुमाएगा,
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इकट्ठी एक्ट करेंगी, वो ऐसे एक्ट करेंगी कि पार्टिकल यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा। इस शेप को बोलते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड की प्रॉब्लम्स आती नहीं है, तो इसलिए इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, ये केस नहीं आता। पर क्योंकि एचसी वर्मा के अंदर एक केस गिवन है, उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को ये केस इंक्लूड करना पड़ा। नॉर्मल एग्जामिनेशन में ये नहीं आता। इसका प्रूफ अगर देखना भी है तो हम एनसीईआरटी में या मेंस नीट में करते नहीं है, एडवांस के लिए ही है सिर्फ। वो प्रूफ मेरे पास प्रिंट आउट पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए हो मेरे से ले लेना, तो हम क्लास में करने नहीं वाले। कम से कम 1.5-2 पेज का इसका प्रूफ है कि कैसे मोशन है, काफी इसमें कैलकुलस भी यूज होता है, पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी देंगे चलेगा। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 6। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा और गारंटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे एनसीईआरटी, चाहे नीट, चाहे मेंस। कैसे? इसके अंदर ये आपको बताया गया है कि सपोज करो आपके पास कोई प्लेट्स ऑफ जैसे कैपेसिटर है, और ये आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? फ्रॉम प्लस टू माइनस, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है यहां तक? अब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आता है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर। तो मुझे पता है कि इस केस में जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है केस नंबर 1, तो पार्टिकल की जो शेप होगी वो कैसी होगी? ट्रेजेक्टरी पैराबोला। पैराबोला कहां? ऊपर की नीचे? नीचे, क्योंकि पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, तो ये पैराबोलिक पाथ ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ठीक है यहां तक? लेकिन साइमल्टेनियसली आप लोगों ने क्या किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया बोर्ड के इनसाइड, ये लो। तो आपने बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया बोर्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी कैसे? बी वेक्टर कैसे है? बोर्ड के अंदर। वेलोसिटी वेक्टर कैसे है? राइट। फोर्स कैसे लगेगी? ऊपर। तो बी, बी वेक्टर यहां पर है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, इसको कैसे घुमाएगी? इन अ सर्कल, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इट मूव्स इन सर्कल, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोला। अब मैग्नेटिक फोर्स चाहती है ये इधर जाए, इलेक्ट्रिक चाहती है ये इधर जाए, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल जाए बिना बेंड किए, तो एक ही केस में हो सकता है, क्या? कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? नीचे की तरफ QE, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है? BQV sin 90। ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो पार्टिकल ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो पेपर में आएगा कि मान लो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर, पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, तो अगर स्ट्रेट जाएगा तो बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, क्यू से क्यू कैंसल, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पूछेगा, तो वेलोसिटी में ये लिख लेना। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें ये केस अपना, कि जब ये केस आएगा तो आपने वेलोसिटी को क्या लिखना है, कि पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, ई अपॉन बी लिखना है। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। बहुत पहले टीवी आते थे ब्लैक एंड वाइट, फिर टीवी रंगीन टीवी आया, कलर टीवी आया बक्से वाला, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया। तो अगर हम वो कलर टीवी की बात करें जो नया नया शुरू में आया था, जिसे बॉक्स है, उसमें एक बड़ी जो मॉनिटर होता था बड़ा सा, तो बेसिकली वो इस टेक्निक पे काम करता था। तो टीवी के अंदर क्या होता है? एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस का मटेरियल लगाया जाता है। फास्फोरस का क्या प्रिंसिपल है कि जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग को हिट करता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होकर जब नीचे आता है तो लाइट छोड़ता है। तो तेज हिट कर रहा है तो एक्साइटमेंट ज्यादा होकर नीचे हो रही है, तो मान लो रेड कलर छोड़ रहा है, थोड़ा स्लो है तो ग्रीन कलर है, और स्लो है तो ब्लू है, RGB पैटर्न। तो वहां से कलर मिक्सिंग भी हो जाती थी डिपेंडिंग अपॉन कितनी स्पीड से वो हिट करता है। तो कलर तो जनरेट हो गया, जो फॉरन जब हिट करने में कलर आ जाएगा टीवी के ऊपर। तो आप चाहते हो एक स्क्रीन के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर मान लो ये ए डिस्प्ले हो या किसी की फोटो डिस्प्ले हो, तो आप ए लगातार देखना चाहते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो फायर करती है स्क्रीन के ऊपर, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां, एक सेकेंड में वो 60 से ऊपर बार
गन फायर कर सकती है, मतलब इतनी तेज फायर करेगी, इतनी तेज करेगी एक सेकंड में कि आपकी आंख भी उसको पकड़ नहीं पाएगी कि इतनी तेज फायरिंग हो रही है। इतनी तेज होती है कि अगर आपको ए डिस्प्ले करना है तो वो सिर्फ फायरिंग यहां करेगी इलेक्ट्रॉन की बस, अगर आपको लाल कलर का देखना है फायरिंग तेज कर देगी, स्पीड बढ़ाएगी, तो एक्साइटमेंट हो रही है देखो और लगातार होती जा रही है ताकि ए डिस्प्ले हो। आपको किसी एक्टर को देखना है तो एक्टर के ऐसे वो फायरिंग करेगी आपको एक्टर दिखेगा, एक्टर मूवी देखनी है ऐसी फायरिंग करेगी लगातार उसके ऊपर कि आपको मूवी चलती दिखाई देगी, तो ये। और अगर आपको स्ट्रेट हिट करवाना है तो एक्चुअल में उसको कैसे पता मशीन को कि यही फायर करना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती है मशीन, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ी हो गई तो फायरिंग यहां हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई यहां हो जाएगी, दोनों बराबर हो गई फायरिंग यहां पे हो जाएगी, तो आप स्क्रीन के ऊपर कैसे भी फायर कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है।